क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार से निराश एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मामला पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियाटोर का है, जहां 23 साल के राहुल लोहार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। राहुल के एक रिश्तेदार उत्तम सोर ने बताया कि वह इलाके में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। फाइनल मैच देखने के लिए उसने रविवार को छुट्टी ली थी। सूर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार से दुखी होकर उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। सूर ने दावा किया कि उसके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। गौरतलब है रविवार को अहमदाबाद में खेले गए विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे पूरा देश गम में डूबा है। लेकिन बंगाल की घटना ने दिल दहला दिया। पुलिस ने कहा कि राहुल के शव को सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बांकुरा स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है और अप्राकृतिक मौत का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। इस घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। मृतक के परिवार के बाबू उत्तम सूर ने कहा कि क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार को स्वीकार नहीं कर पाने की वजह से राहुल ने घर पर गले में फंदा लपेटकर आत्महत्या कर ली। सूर ने पुलिस को बताया कि मामले की जानकारी होने पर वह रात में अपने घर आया। उधर सूचना मिलने पर पुलिस ने रात में ही शव को बरामद कर लिया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वर्ल्ड कप का जुनून हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा था और हर किसी को उम्मीद थी और दुआएं कर रहे थे कि भारत इस वर्ल्ड कप को जीतेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजय के वजह से कई भारतीयों के दिलों पे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और इसी के तहत पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में रहने वाले राहुल लोहार को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है। राहुल करीबन एक महीने से वर्ल्ड कप को यहाँ दिन रात करके देखता था और क्रिकेट के प्रति कितनी प्रेम और जुनून था इसे भली भांति राहुल से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की पराजय होने के वजह से राहुल भी अपने जिंदगी को खत्म कर दिया और अपने घर में जाकर आत्महत्या कर लिया। तो कह सकते हैं कि जहां पे 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का दिल टूटा है भारत के हारने की वजह से, तो वहीं पे पश्चिम बंगाल में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर में चलते हुए टीवी को तोड़ा है, कई लोगों ने अपने कई चीजों को नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं बांकुड़ा जिला का रहने वाले राहुल ने अपने आत्महत्या करके जो सगमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि भारत जीतना चाहिए था, भारत से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन राहुल लोहार ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। तो वाकई कह सकते हैं क्रिकेट के प्रेमी इस हद तक पहुंच सकते हैं, ये वाकई राहुल के द्वारा जाना जा सकता है। और ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने आज सारा दिन पश्चिम बंगाल में सगमे में है और अपने घरों में है और ऑफिस भी नहीं गए हैं भारत के हारने की वजह से। इस घटना के अलावा सिलीगुड़ी में एक चाचा भतीजा ने हार के गम में अपना सिर मुड़वा लिया। पूरे राज्य में दोनों घटनाओं की चर्चा जोरों पर है। दरअसल सिलीगुड़ी जिले के अथारोगाई ग्राम पंचायत के पूर्वी रंगिया सीसाबाड़ी के रहने वाले चाचा भतीजा फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की हार से बहुत निराश हुए। इसी गम में दोनों सिर मुड़वाकर दुख कम करने की कोशिश की। चाचा का नाम माणिक सिंह बताया गया है, जबकि भतीजे का नाम गोविंद सिंह है। चाचा भतीजे का सिर मुड़वाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।